नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक आलू कटोरी। उसका सामग्री है दो अंडा है और ये जीरा है भुना हुआ, ये धनिया है हरा, ये कटा हुआ हरी मिर्च है, ये लाल मिर्च है, ये गोल मिर्च है और ये नमक है और ये प्याज है और ये टमाटर है कटा हुआ। तो चलिए आइए, आलू को हमने उबाल के हल्का उबाल लिए हैं और इस तरह से कटोरी बनाए हैं। तो चलिए बनाते हैं, हल्का उबाले हैं। तो चलिए गैस जलाते हैं और पानी उबलने के लिए रखते हैं। देखिए पानी उबल रहा है, हम लोग रख लिए हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। अंडा को हम इसमें तोड़ लेंगे। देखिए हम लोग दो अंडे को फोड़ लिए हैं। अब इसमें एक चम्मच प्याज डालेंगे कटा हुआ, एक चम्मच टमाटर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जितना आप खाते हैं उतना ले सकते हैं, थोड़ा सा गोल मिर्च डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, दो कटी हुई मिर्च है, थोड़ा सा इसमें से डालेंगे, ये धनिया है उसको डालते हैं और गार्निश के लिए भुजा हुआ जीरा है। अब आइए इसको हम फेंट लेते हैं। ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए हम लोग अच्छी तरह से हम फेंट लिए हैं। इसको स्टीम करेंगे, बिना तेल का बनाएंगे हेल्दी। तो चलिए स्टीम करते हैं। देखिए पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म। ये हम लोग बैटर का, अंडा का बैटर को इसमें भर लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें भर लेंगे और इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। देखिए हम लोग आलू में अंडा भर लिए, अब इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। ये देखिए इस तरह से, ध्यान से रखिएगा क्योंकि स्टीम गर्म होता है और इसको ढक दें। देखिए बन के रेडी हो गया, अब इसको प्लेटिंग करेंगे। चलिए प्लेटिंग करते हैं। इस तरह से लेके प्लेटिंग कीजिए, इस पर से थोड़ा सा जीरा डालिए, भुजा हुआ जीरा है इस पर डालिए अच्छी तरह से, थोड़ा सा लाल मिर्च डालिए, थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया से गार्निश कीजिए इसको। देखिए बनके रेडी हो गया आलू कटोरी, अंडा आलू कटोरी बनके रेडी हो गया। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,